गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चित्र वर्णन। आज हम चित्र वर्णन के बारे में बात करेंगे। तो चित्र वर्णन क्या है? यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हमें सेंटेंस यानी वाक्य लिखने होते हैं, वो है चित्र वर्णन। यानी चित्र में जो भी हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हमें वाक्य लिखना है। तो चलो बोलिए, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या है? बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक उसे पढ़ा रही है ना, और बच्चे शांति से बेंच पर बैठे हुए हैं। दीवार पर महानुभावों की तस्वीरें लगी हुई है। टीचर खड़ी होकर पढ़ा रही है। मेज और कुर्सी भी इस रूम में है और सामने ब्लैक बोर्ड भी रखा हुआ है और बच्चे ध्यान से शांति से क्या कर रहे? पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो चलो, इसके वाक्य कैसे हम बना सकते हैं? इस चित्र में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही है। इस चित्र में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। 9 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। दीवार पे महानुभाव की तस्वीरें लगी हुई है। मेज पर पुस्तकें रखी हुई है। बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसे वाक्य लिखने हैं। आपको एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाली है, उसमें ये पूछा जाएगा। अब हम मैं दूसरा कराने वाली हूँ, दोनों में से कोई भी एक आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है? ये है दूसरा चित्र। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बोलिए? इस चित्र में शहर के रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना। 2 बसें जा रही है, एक कार यहाँ से जा रही है और बहुत सारे लोग साइड में खड़े हुए हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, एक आदमी स्कूटर से जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस उसकी ड्यूटी निभा रहा है। इस शहर के रास्ते में दुकानें भी है, यहाँ पे सिनेमा भी है और सिनेमा की टिकट लेने के लिए लाइन भी लगी है ना। तो इस चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन हमें वाक्य के द्वारा करना है। समझ में आ गया? आपको दो चित्र में से, इन्हीं दो चित्र में से कोई भी एक चित्र पूछा जाएगा, उसका वर्णन आपको करना है। तो चलो इसके वाक्य देखते हैं। चित्र वर्णन। इस चित्र में शहर के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में 2 बस जा रही है, एक कार जा रही है। इस चित्र में कुछ दुकानें दिखाई दे रही है। इस चित्र में कुछ दुकानें दिखाई दे रही है। कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। एक आदमी स्कूटर पर जा रहा है। तो ये है चित्र वर्णन। ये दोनों आपको नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है?